दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया दीपक का उपाय। देखिए गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में पुराने से पुराना दीपक है, यानी कि जो जितना पुराना दीपक हो उतना पुराना दीपक लेकर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी रोग बीमारी दूर हो जाती है। अब कैसे दूर होती है, ध्यान से आपको वीडियो को पूरा सुनना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। दोस्तों अगर आपके घर में दीपक जलाते हैं, अगर आप मिट्टी का दीपक जलाते हैं, स्टील का, पीतल का, जो भी दीपक जलाते हैं, तो आप यह तय कर लें कि आप अपने घर में ऐसे 3 दीपक लेकर आए जो कि कम से कम साल, 2 साल नहीं बल्कि 20-25 साल तक चले। ऐसे 3 दीपक लेकर आए और इन 3 दीपकों को आपको कहाँ जलाना है, पहला आपको अपने पूजा मंदिर में, दूसरा दीपक आपको अपने तुलसी जी के पास में और तीसरा दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर में। तो आपको ये 3 दीपक प्रत्येक दिन अच्छी तरह से साफ सुथरा करके प्रत्येक दिन शाम के समय अवश्य से जलाने हैं और ये दीपक कम से कम 20-25 साल चलाने हैं आपको अपने घर में, मतलब बदलना नहीं है। ऐसा नहीं कि ये दीपक खो देने हैं, नहीं, बहुत ही ध्यान से संभाल के इन दीपकों को रखें। और इन दीपकों का कमाल ये है कि जितने पुराना दीपक आपके घर में होगा उतना ज्यादा फल देता है। मान लो कि आपके घर में कोई बीमार हो गया, कोई रोग से परेशान है, तो उस दीपक को धो करके पानी को अगर रोगी व्यक्ति को पिला दिया जाता है तो धीरे धीरे करके उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाता है। गुरु जी कहते हैं पुराने से पुराने दीपक जो कि कई वर्षों के दीपक हों, ऐसे दीपक को अगर कोई व्यक्ति धो करके पानी में, अगर उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला देता है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी चली जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार इस प्रक्रिया को करके देखिए। अगर आप भी अपने घर में मिट्टी आटे का दीपक जलाते आ रहे हैं तो ऐसा करना बिल्कुल ही बंद कर दें। अपने घर में पीतल का दीपक लेकर आए, स्टील का दीपक लेकर आए और 3 दीपक लेकर आए और 3 स्थानों पर जलाना प्रारंभ कर दें। उम्मीद है कि उपाय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।